ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली के करण भसीन ने यह जानना चाहा है कि क्या एक्टर डैनी डंगजोंगपा ने एक्टिंग के साथ साथ प्लेबैक भी किया है। तो जवाब है जी हाँ, किया है भसीन साहब। डैनी ने कुछ फिल्मों में एज ए प्लेबैक सिंगर गाने गाए हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उस हिसाब से जो गीत डैनी ने गाए उनमें प्रमुख है 1972 की फिल्म ये गुलिस्ता हमारा का एक गीत जिसके बोल हैं मेरे पास आओ मेरा नाम जाओ। इसे डैनी ने लता मंगेशकर के साथ गाया है और ये गीत पिक्चराइज्ड है जॉनी वॉकर और जयश्री टी पर। 1975 की फिल्म काला सोना में भी उनका गाया एक गीत है सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से। ये गाना डैनी ने आशा भोसले के साथ डुएट गाया है और पिक्चराइज्ड है स्वयं डैनी डंगजोंगपा और फरीदा जलाल पर। 1979 की फिल्म लहू के दो रंग का गीत हमसे तुम मिले तुमसे हम मिले, इसमें डैनी ने चंद्राणी मुखर्जी के साथ डुएट गाया है। 1976 की फिल्म गुमराह का गीत आओ नीले गगन के बादलों में झूलें, डैनी ने इसमें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के साथ गीत गाया है। 1978 की फिल्म नया दौर का गीत मुझे दोस्तों तुम गले से लगा लो, इसमें डैनी ने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के साथ गाया है। इस फिल्म का एक और गीत पानी के बदले पी शराब, डैनी ने इसमें किशोर कुमार के साथ डुएट गाया है। गाना पिक्चराइज है खुद डैनी और ऋषि कपूर पर। ज़्यादातर जो गाने डैनी ने गाए हैं वो खुद उन पर ही पिक्चराइज हैं। इन गीतों के अलावा और भी कुछ गाने हैं जो डैनी ने गाए हैं, कुछ तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी हैं, पर ये कुछ प्रोमिनेंट गाने थे जो हमारी रिसर्च टीम को मिले और मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपके पास कुछ और गीत हैं, लिस्ट है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे मेहरबान दोस्तों, ये सुहाना सफ़र 400 से भी ज़्यादा एपिसोड्स शोज पूरे कर चुका है। बड़ी कृपा, बड़ा आभारी हूँ, मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ आप सबका। यही मोहब्बत, यही प्रेम देते रहें, प्रेम मिलता रहेगा तो 400 से 4000 एपिसोड होते देर नहीं लगती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।